पी एंड क्यू टुगेदर कैन कम्प्लीट ए वर्क इन 12 डेज। पी और क्यू दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं? 12 दिन में। क्यू और आर दोनों मिलकर काम कितने कर रहे हैं? 16 दिन में। पी वर्क फॉर 5 डे, पी वर्क कितना कर रहा है? 5 डे। और क्यू कितना देर कर रहा है? 7 डे। देन आर कम्प्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 13 डेज, और आर रिमेनिंग कितना बचा हुआ काम 30 डेज में कर रहा है। तो हाउ मेनी डे क्यू फिनिश द वर्क, कितने दिनों में क्यू फिनिश कर सकता है पूरे वर्क को। सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आ गए। पहले कहाँ यहाँ पे आ गए, पी प्लस क्यू कितने दिन में काम कर रहे हैं? 12 दिन में। क्यू प्लस आर कितने दिन में? 16 दिन में। दोनों का एलसीएम हमने निकाला है तो कितना आ गया? 48 आ गया। हमने 48 को ही टोटल वर्क मान लिया। और इसकी पर डे इफिशेंसी, पी प्लस क्यू दोनों मिल के पर डे कितना वर्क कर रहे हैं? यूनिट 4 यूनिट कर रहे हैं। क्यू प्लस आर पर डे यूनिट कितना कर रहे हैं? 3 यूनिट काम कर रहे हैं। अब हमारे क्वेश्चन में दिया है पी वर्क फॉर 5 डे, पी कितना दिन 5 डे वर्क किया, क्यू कितना देर किया 7 डेज किया, बाकी बचा दिन कितना दिया 13 डे में 13 डेज आर किया, और इसको टोटल वर्क कितना करना था? 48 काम करना था, 48 वर्क करना था। तो हमने सबसे पहले इस टर्म्स में ब्रेक कर लिया ताकि हमें काफ़ी दे 5P + 5Q। तो यहाँ पे क्यू क्या है? अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो क्यू है, अभी यहाँ पे क्यू क्या है? 2Q यहाँ पे एक्स्ट्रा है तो हमने इसको अलग से लिख दिया। यहाँ पे कितना है? 2R। इसको कंबाइन करने के लिए हमने कितना किया? 2R ले लिया, लेकिन बच गया फिर कितना? 11R बच गया। तो हमने फिर से कितना 5P + R 2Q + R प्लस 11R इक्वल टू कितना आ गया? 48 आ गया। यहाँ पे पी प्लस क्यू ये जो है इफिशेंसी दिखा है, पी प्लस क्यू की हमने इफिशेंसी कितनी निकाली है? यहाँ पे 4 दिया है इफिशेंसी, जब हमने 4 लिखा। क्यू प्लस आर की इफिशेंसी कितना निकाला? 3 निकाला, प्लस 11R। अब हम आते हैं कितना आ गया? 20 आ गया। ट्वेंटी प्लस सिक्स प्लस 11R इक्वल टू 48। तो कितना आ गया? 11R इक्वल टू कितना आ गया? कितना 26 में हटाया गया था 2 और 22, तो R इक्वल टू कितना आ गया? 2 आ गया। R की इफिशेंसी कितनी आ गई? 2 आ गई। R की इफिशेंसी 2 आ गई। यहाँ पे दिया है क्यू प्लस आर, क्यू प्लस, अब इफिशेंसी हमें मालूम है पी प्लस क्यू की एफिशिएंसी और क्यू प्लस आर, क्यू पी प्लस क्यू की एफिशिएंसी अपने को मालूम था कितना दिया है? एफिशिएंसी 4 है और 3 है, यहाँ पे 4 है। क्यू प्लस आर की एफिशिएंसी कितना है? 3 है। यहाँ पे आर की कितनी वैल्यू निकाल ली? हमने 2 निकाल लिया। तो क्यू यहाँ से कितना आ गया? क्यू इक्वल टू वन आ गया। क्यू यहाँ पे पी प्लस क्यू इक्वल टू 4 है, क्यू कितना निकला? 1 निकला। तो पी प्लस 1 इक्वल टू 4, तो पी इक्वल टू 3। मैं कितने दिन में काम कर रहा हूँ? तो इफिशेंसी है, ये क्या है? इफिशेंसी है पर डे वर्क यूनिट। यहाँ पे कितना है? पर डे वर्क यूनिट, पर डे यूनिट वर्क आ गया। वहाँ पे हम निकालना क्या है? क्यू के द्वारा कितने दिन में काम किया गया? क्यू कितना, हाउ मेनी डे में कितना काम करेगा? टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क हमने निकाला था, टोटल वर्क कितना है? अब देख लीजिए यहाँ पे टोटल वर्क कितना है? 48 डिवाइडेड बाई क्यू की इफिशेंसी कितना है? 1 है, तो कितना आ गया? 48। यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा? 48। सबसे पहले हम एक बार फिर से देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में मेन लॉजिक यहीं पे था कि यहाँ पे ब्रेक करने आना चाहिए ताकि हम इसके वैल्यू को रख सकें और एक इफिशेंसी हम निकाल सकें। यहाँ पे कितना क्या क्या दिया था? यहाँ पे पी प्लस क्यू कितना दिया है? 12 दिया है। क्यू प्लस आर कितना दिया है? 16। ये 16 कितना दिनों में काम करते हैं मिलके? उसके बाद कितना पर डे हमने इफिशेंसी निकाला। हमें क्या क्या निकालना पड़ता है? सबसे पहले टोटल वर्क निकालना पड़ता है, टोटल वर्क निकालना और ईच इफिशेंसी कितना, सबकी इफिशेंसी निकाल लीजिए, 90% वर्क कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या